बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 4.3 कर रहे थे इंटीग्रेशन के हम लोग। कल आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ से बच्चे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लेट स्क्वायर रूट वाली टर्म को जी लेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू जी। अब दोनों साइड्स पे स्केयरिंग करेंगे तो इधर स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू जी स्केयर। अब बच्चे दोनों साइड की डेरिवेशन करते हैं तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आता है 2x dx, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड जी स्केयर का डेरिवेटिव आपके पास आता है 2z dz। ये 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी डी जी। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन किया है इसको वापस क्वेश्चन में बैक पुट करेंगे तो ये आपके पास एक्स क्यूब को बच्चे आप खोल के लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्केयर इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 डॉट एक्स, क्योंकि ये एक्स स्केयर और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होके अगेन आपको एक्स क्यूब दे देगा 7 डी एक्स। इसी तरह अब बच्चे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक्स स्केयर की वैल्यू यहाँ से स्प्लिट करें तो ये 1 इधर जाके जी स्केयर से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्केयर की जगह पे आ जाएगा जी स्केयर माइनस 1, स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 की जगह पे आ जाएगा जी और डी एक्स एक्स डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा जी डी जी। ये जी इस जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी स्केयर दे देगा और इधर बन जाएगा जी स्केयर माइनस 1 डी जी। ये दोनों को सेपरेट अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जी स्केयर को जी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 4 इंटीग्रेशन के साइन 7 डी जी माइनस जी स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जी स्केयर डी जी आ जाएगा। अब जी का डेरिवेटिव डी जी इसके साथ मौजूद है तो आप इसकी एक पावर इंक्रीज करेंगे तो ये जी 5/5 माइनस जी स्केयर की इंटीग्रेशन आएगी जी क्यूब 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे बच्चे बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें तो जी की जगह आपने सपोज किया हुआ है स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1, जी की पावर 5 है और स्केयर रूट की पावर होती है 1/2 तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 3/2 ओवर 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x डी एक्स। ई एक्स बाय एज इट इज़ ये अलग अलग दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी तो ये 1 ओवर x आ जाएगा, जब x नेचुरल लॉग ऑफ x x से डिवाइड होगा तो ये x x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x डी एक्स। अब इन दोनों टर्म को स्प्लिट कर लें, e की पावर x अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डॉट 1 ओवर x डी एक्स प्लस e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x डी एक्स। अब इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लें, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो 1 ओवर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करते हैं बच्चे तो e की पावर x का डेरिवेटिव आपके पास अगेन e की पावर x आ जाता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx और ये होल इंटीग्रेशन का dx प्लस सेकंड टर्म आपके पास एज इट इज़ रह जाएगी। e की पावर x 1 ओवर x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x dx प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़। ये दोनों प्लस माइनस के साइन के साथ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आंसर आ जाएगा e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 माइनस साइन x ओवर 1 माइनस कॉस x dx। अब इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे, पीछे इंटीग्रेशन के साइन में e की पावर x एज इट इज़ 1 माइनस साइन x हाफ एंगल में इक्वल होता है 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस x हाफ एंगल में होता है 2 साइन स्क्वेयर x बाय 2 डी एक्स। अब इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड कर लें, e की पावर x एज इट इज़ इंटीग्रेशन के साइन में 1 ओवर 2 साइन स्क्वेयर x बाय 2 डी एक्स सेपरेट हो जाएगा और माइनस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक साइन इस नीचे वाले एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा कॉस x बाय 2 ओवर साइन x बाय 2 डी एक्स। तो कॉस ओवर साइन को आप लिख सकते हैं कॉट x बाय 2 डी एक्स।
ये 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बच जाएगा e की पावर x, 1 ओवर साइन स्केयर आपके पास होता है कोसेकेंड स्केयर x बाय 2 डी एक्स माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज। नेक्स्ट इस पे बच्चे बाय पार्ट्स लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो 1/2 बाहर वाला एज इट इज रहेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट आपके पास e की पावर x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो कोसेकेंड स्क्वायर x बाय 2 डी एक्स साथ आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वो आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर x बाय 2 डी एक्स और ये होल इंटीग्रेशन का डी एक्स माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज। अब इस चीज़ को बच्चों सॉल्व करके लिखेंगे, पीछे 1/2 एज इट इज, e की पावर x भी एज इट इज, कोसेकेंड स्क्वायर x बाय 2 की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स बाई 2 ओवर 1/2 माइनस ई की पावर एक्स, कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स बाई 2 ओवर 1/2 डी एक्स माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज। बच्चे ये 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, अगली टर्म एज इट इज़, ये प्लस माइनस के साइन के साथ दोनों कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ स्केयर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स। आपने यहाँ पे सपोजिशन करनी है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसको डेरिवेट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा, इसको आप इधर पुट करें स्केयर रूट वाली टर्म में, तो स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे ऊपर वाली टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल में आपके पास इक्वल होता है 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास इक्वल होता है 2 कॉस स्केयर थीटा बाई 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होके आपको दे देगा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, ये आपके पास होता है टेन थीटा बाई 2। अब इसको क्वेश्चन में पुट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ स्केयर रूट वाली टर्म को सॉल्व करके आपके पास आंसर आया टेन थीटा बाई 2 और डी एक्स की जगह आपके पास आया है माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब टेन इनवर्स और टेन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन के साइन में आपके पास बच जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लें माइनस के साइन के साथ, आगे इस पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगा दें, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, दरमियान में माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा इसलिए वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। आगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब ये माइनस पिछला 1/2 एज इट इज, ये माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ये माइनस माइनस मिलके नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, ये 1/2 थीटा कॉस थीटा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2 और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें तो 1/2 थीटा की जगह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ से ये कॉस थीटा है तो ये कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 13 करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्केयर रूट ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस ए डी एक्स। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, स्केयर रूट वाली टर्म को साइन थीटा लेट कर लेंगे, अब दोनों साइड पर स्केयरिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू साइन स्केयर थीटा। ये फ्रिक्शन में चीज़ है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये इस साइड पे रह जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए साइन स्केयर थीटा, ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा एक्स साइन स्केयर थीटा प्लस ए साइन स्केयर थीटा। ये एक्स वाली टर्म इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, उधर प्लस की थी इधर आके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन स्केयर थीटा। अब x इन दोनों टर्म्स में आ रहा है, यहाँ से कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू
ए साइन स्केयर थीटा, वन माइनस साइन स्केयर थीटा आपके पास होता है कॉस स्केयर थीटा, ये एक्स साइड पे रहने दें, ये कॉस स्केयर थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा आपके पास होता है टेन स्केयर थीटा, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए टेन स्केयर थीटा। इसको डेरीवेट करते हैं तो एक्स का डेरीवेटिव डी एक्स, ए एज इट इज़, टेन स्केयर को करेंगे तो लो डाउन और रिड्यूस, तो लो डाउन करेंगे तो टू, रिड्यूस करेंगे तो टेन थीटा, और टेन थीटा का अगेन डेरीवेटिव सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से इसको क्वेश्चन में पुट कर दें, टू ए बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, अंदर आपके पास बन जाएगा थीटा इंटू टेन थीटा सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। अब इस पे बाय पार्ट्स लगा लें, टू ए बाय एज इट इज फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड के इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन का डेरिवेटिव इसके साथ लिखा हुआ है सीकेंड स्केयर थीटा, तो इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टेन स्केयर थीटा बाय टू माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो थीटा का डेरिवेटिव वन और टेन की इंटीग्रेशन आपके पास टेन स्केयर थीटा बाय टू डी थीटा। अब ये टू अंदर मल्टीप्लाई और ए भी हो जाएगा, तो टू टू के साथ कैंसल, आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी ए थीटा टेन स्केयर थीटा माइनस, ये टू टू के साथ कैंसल ए आ जाएगा। इंटीग्रेशन में आप टेन स्केयर को खोल के लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर थीटा माइनस वन डी थीटा, ये आपके पास आ जाएगा ए टेन ए थीटा टेन स्केयर थीटा माइनस ए एज इट इज़, और सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है टेन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस ए, और वन की इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लास्ट स्टेप में बच्चे आप बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए, थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर ए, टेन स्केयर की जगह आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ स्केयर रूट ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस ए। यहाँ से इसकी जब आपने सब्स्टिट्यूशन की थी वहाँ से आप इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, माइनस ए टेन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स ओवर ए, प्लस ए थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ स्केयर रूट ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इस इंटीग्रल में देखिए बच्चे दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहे हैं, जिस इंटीग्रल में दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन आते हैं वहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन आई कर लेते हैं, तो इस इंटीग्रल को किसी आई की इक्वल ऐड करेंगे, आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, तो साइन बी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरीवेटिव फर्स्ट टर्म यहाँ आपने साइन बी एक्स प्लस सी ली हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो वो ई की पावर ए एक्स डी एक्स होल डी एक्स। अब बच्चे इसको सॉल्व करें तो साइन बी एक्स प्लस सी पीछे एज इट इज़ ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन आती है आपके पास ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस साइन बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव होता है कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी, और ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन आती है आपके पास ई की पावर ए एक्स ओवर ए डी एक्स। यहाँ से देखें ये e की पावर ए एक्स ओवर ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस, ये बी बाय ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बन जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब इस पे अगेन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगा दें, ये पहली टर्म एज इट इज़ माइनस बी बाय बी ए बी एज इट इज़, अब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस, डेरीवेटिव आप फर्स्ट लेंगे तो कॉस का डेरीवेटिव माइनस साइन, थीटा की जगह यहाँ पे बी एक्स प्लस सी डॉट बी, और e की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास आती है e की पावर ए एक्स ओवर ए डी एक्स। ये पीछे टर्म एज इट इज़ माइनस बी बाय ए, ये आपके पास आ जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी ई की पावर ए एक्स ओवर ए, ये माइनस माइनस प्लस बी बाय ए बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बन जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब ये जो इंटेग्रल है साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स, यहाँ से ये आपने आई की इक्वल ऐड किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे आई पुट कर लें, पिछली दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास आई था, ये आई इधर माइनस का है, इक्वल किस साइड पे ले आए तो प्लस हो जाएगा, अगली दोनों टर्म एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करके एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू अगला स्टेप एज इट इज़। यहाँ से आपने आई की वैल्यू निकालनी है, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये ए स्केयर ऊपर आ जाएगा,
वो ए स्केयर इस नीचे वाले ए के साथ कैंसिल होकर आपको ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर दे देगा, साथ ही ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह जब ये इधर ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्केयर से कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉस बी एक्स प्लस सी ई की पावर ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये e की पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर दोनों टर्म्स में है, बाहर कॉमन लिख लेंगे, अंदर आपके पास रह जाएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में बचे आप ए को आर कॉस थीटा सपोज कर लेंगे और बी को आर साइन थीटा, यहाँ से इनकी स्केयरिंग और एडिंग करेंगे तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर इंटू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, तो ये आपके पास वन होता है तो यहाँ से रह जाएगा जस्ट आर स्केयर, आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे स्केयर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट आपने टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो साइन बाय कॉस होता है, तो साइन बाय कॉस करेंगे तो आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, आर आर से कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन थीटा बन जाएगा और राइट हैंड साइड पे बी बाय ए। अब इसको टेन थीटा है, आप थीटा की वैल्यू स्प्लिट करेंगे तो टेन इधर आके इनवर्स हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन में बैक पुट कर दें तो आई इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन बी एक्स प्लस सी, ए की जगह आपके पास आ जाएगा आर कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी, बी की जगह आपके पास आ जाएगा आर साइन थीटा। ये ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आर दोनों टर्म्स में था, बाहर कॉमन लिख लिया, ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा फार्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा की जगह आपके पास वैल्यू है बी एक्स प्लस सी और बीटा की जगह आपके पास वैल्यू है थीटा, तो माइनस थीटा आ जाएगा। अब आर की जगह बच्चे वैल्यू पुट करेंगे स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, पीछे ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू साइन बी एक्स प्लस सी माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें तो ये चीज़ ऊपर स्केयर रूट में है, नीचे वाली टर्म को आप स्केयर रूट का स्केयर लिख के एक ऊपर वाला स्केयर रूट नीचे वाले एक स्केयर रूट से कैंसिल, तो आपके पास बन जाएगा e की पावर ए एक्स ओवर स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू साइन बी एक्स प्लस सी माइनस थीटा की जगह आपके पास वैल्यू आई है टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ये यहाँ तक आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा।